हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कुछ ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स लेकर आया हूँ तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारा जो अल्केन होता है वो पेरेंट हाइड्रोकार्बन होता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन हम बोलते हैं अल्केन, क्योंकि हम अल्केन से सारे टाइप के कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब अल्केन से स्टार्ट करके हम हेलोअल्केन भी बना सकते हैं, अल्कोहल भी बना सकते हैं, एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं। ठीक है, अमाइंस फॉर्म कर सकते हैं, अल्कीन्स फॉर्म कर सकते हैं, अल्काइंस। इसलिए हम अल्केन्स को क्या बोलते हैं, पेरेंट हाइड्रोकार्बन। जैसे हम स्टार्ट करते हैं CH3 इथेन से, और अगर मैं इथेन का क्या करूँ, क्लोरीनेशन ठीक सनलाइट में, तो हमें मिलेगा CH3CH2Cl। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, इसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। अब अगर मैंने इसे अल्कोहलिक KOH से कर दिया तो अल्फा बीटा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 फॉर्म होगा। फिर मैं इसे ब्रोमीन से अगर रिएक्ट कराऊं तो CH2 BR। ठीक है, हमें विसिनल डायलाइड मिल जाएगा। इसे हम फिर अल्कोहलिक KOH से कराएं तो हमें मिल जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इथाइन मिल जाएगा। इस इथाइन को फिर हम अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका हाइड्रोजिनेशन कर दें। ठीक है, तो अगर हम इसका हाइड्रोजिनेशन करते हैं, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, तो हमें मिलेगा CH3 बॉन्ड CH3। और अगर मैं इसे सोडियम के साथ रिएक्ट करा दूं तो मुझे CH ट्रिपल बॉन्ड C- Na+ सोडियम एसिटिलाइड मिलेगा। ठीक है, इस सोडियम एसिटिलाइड को अगर मैं ClCH3 से रिएक्ट कराऊं तो मुझे मिल जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CCH3, मतलब हायर अल्काइन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसे एक्वस KOH से कराऊं तो मैं मुझे मिल जाएगा CH3 CH2OH हेलो अल्कोहल, ठीक है, इथेनॉल। और मैं अगर इसे करा दूं कॉपर 573 केल्विन के साथ, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन करूं कॉपर के साथ, ठीक है, 573 केल्विन पर, तो ये अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा हमारा अल्डिहाइड में। ठीक, इस अल्डिहाइड को अगर मैंने एसिडिफाइड K2Cr2O7 से कराया तो हमें मिल जाएगा CH3COOH। क्या मिलेगा? CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसे हमने सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन इसका कर दिया NaOH CaO के साथ तो हमें मिल जाएगा मीथेन। ठीक है, तो हमने इथेन से स्टार्ट किया, हम मीथेन पे पहुंच गए। ठीक है, इथेन से स्टार्ट करके हम वापस इथेन पे ही पहुंच गए। ठीक है, इस मीथेन को अगर हमें वापस किस में कन्वर्ट करना है, इथेन में, तो हम इसका क्लोरीनेशन करेंगे सनलाइट में। सनलाइट में क्लोरीनेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा CH3Cl। और इसको हम सोडियम ड्राई ईथर से कर दें, जिसे हम वुड्स रिएक्शन बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन, तो दो CH3Cl मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर CH3 बॉन्ड CH3 बना लेंगे। तो वापस देखो, हमने इथेन से इथेन पर पहुंच गए, वहां से भी पहुंच गए, यहां से ही पहुंच गए। ठीक है, इस CH3CHO को अगर मैं किसी अल्कली से रिएक्ट कराऊं आयोडीन के प्रेजेंस में, तो इसे हम बोलते हैं आयोडो फॉर्म टेस्ट। हमें CHI3 मिलेगा और HCOO- Na+ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे मैं HCl से रिएक्ट कराकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, HCOH में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फॉर्मिक एसिड में। ठीक, अगर मैं इसे सोडियम ड्राई ईथर से करा दूँ इस हेलो अल्केन को, तो हमें मिलेगा CH3
CH2, CH2, CH3 ब्यूटेन, ठीक है। यहाँ दो कार्बन बढ़ जाएंगे, ब्यूटेन मिल जाएगा। अगर इसे मैं अल्कोहलिक KCN से कराऊँ, किससे कराएंगे हम, अल्कोहलिक KCN से, तो हमें मिल जाएगा CH3, CH2, CN, ठीक है। इसका अगर हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करें, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक है, एसिड और वाटर के साथ, तो हाइड्रोलिसिस वैसे वाटर के साथ ही होता है, इसमें एसिड भी डालना पड़ेगा। CH3, CH2, CO, NH2 अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। इस अमाइड का मैं फिर हाइड्रोलाइज करूं, इस अमाइड को हाइड्रोलाइज करूं, तो मुझे CH3, CH2, COOH मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, CH3, CH2, COOH, प्रोपेनोइक एसिड। और इसे मैं वापस सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्विक लाइम, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन से बोलते हैं, वो करूं तो मुझे वापस CH3 bond CH3 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ से भी हम इथेन पे आ गए, ठीक। अगर मैं इस अमाइड का ब्रोमीन के OH से करूं, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा CH3, CH2, NH2 अमाइन मिल जाएगा, ठीक। इस अमाइन को अगर मैं नाइट्रस एसिड से ट्रीट करूं, HNO2 से, तो मुझे मिल जाएगा CH3, CH2, OH। क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। इस अल्कोहल का फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ऑक्सीडेशन, वही काम, और वापस हम वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। मैं इसे अल्कोहलिक AgCN से कराऊँ, ठीक है, तो हमें मिलेगा CH3, CH2, NC आइसोसाइनाइड। और इसे अगर मैं NaI एसीटोन से कराऊँ, किसे हम किसे करा रहे हैं, हेलो अल्कीन को AgCN से करा रहे हैं, तो हमें आइसोसाइनाइड मिल रहा है। NaI एसीटोन से करा रहे हैं, NaI एसीटोन से करा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें हेलोजन जो क्लोरीन है वो एक्सचेंज हो जाएगा आयोडीन से। इसे हम हेलोजन एक्सचेंज मेथड बोलते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसे मैं अगर AgF से कराता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा CH3, CH2F, स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है, क्लियर है। तो हमने इस क्लोरीन को आयोडीन में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोरीन में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोरोअल्केन में, आयडोअल्केन में, आइसोसाइनाइड में, साइनाइड में, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस अल्को यहाँ से एक काम करते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, हम इसका एसिडिफाइड K2Cr2O7 से ऑक्सीडेशन करते हैं, तो हमें मिल जाएगा CH3COOH। और इसको अगर मैं PCl5 से रिएक्ट करा दूं, तो हमें मिल जाएगा CH3COCl, ठीक है। और इस CH3COCl का अगर मैं वापस हाइड्रोलिसिस कर दूं एसिडिक, तो हमें CH3COOH मिल जाता है, ठीक है। तो असाइल क्लोराइड का हमने हाइड्रोलिसिस किया, तो हमें वापस CH3COOH मिल गया। पर एक मिनट, एक काम करते हैं, इस तरफ चलते हैं, इस तरफ जगह ज़्यादा है। मैंने इसको PCl5 से रिएक्ट कराया, हमें मिला CH3COCl, ठीक है। इसका हम अगर हाइड्रोलिसिस करा दें, तो हमें वापस CH3COOH मिल जाएगा। और अगर मैं इसे बेंजीन से रिएक्ट करा दूं, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3, तो हमें मिल जाएगा एसिटोफिनोन। क्या मिल जाएगा, एसिटोफिनोन, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ अगर हम बात करें, ये जो हमारा CH3Cl फॉर्म हुआ था इस तरफ,
इसे अगर मैं बेंजीन से रिएक्ट करा दूं तो हमें मिल जाएगा CH3 टोल्यूइन वही एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। ये फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन है। इस टोल्यूइन का अगर मैं KOH प्लस KMnO4 से कराऊं तो हमें बेंजोइक एसिड मिलेगा। इसे अगर मैंने क्लोरीन सनलाइट में कराया तो हमें क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, सॉरी मिथाइल क्लोराइड मिलेगा CH2Cl, ठीक है, जिसे हम बेंजाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। इस बेंजाइल क्लोराइड को हमने एक्वस KOH से किया तो हमें बेंजाइल अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, अभी तो और भी कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है, एक से दूसरे में। जैसे मैं अगर बेंजोइक एसिड, मैं यहाँ से उठाता हूँ बेंजोइक एसिड, ठीक है, इस तरफ कर रहा हूँ, तो बेंजोइक एसिड को मैंने NaOH और CaO से कर दिया सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन जैसे बोलते हैं, तो हमें बेंजीन मिल जाएगा। बेंजीन का मैं अगर क्लोरीनेशन कर दूँ, ठीक है, FeCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो मुझे क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, ठीक है। इस क्लोरोबेंजीन को मैं अगर NaOH और 300 ATM प्रेशर पर, ठीक है, रिएक्ट कराऊं NaOH से तो हमें सोडियम फिनोक्साइड मिलेगा, और इस सोडियम फिनोक्साइड का मैं अगर एसिड से रिएक्शन कराऊं तो मुझे फिनॉल मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में, ठीक है। हमने इथेन से स्टार्ट किया था, देखो इथेन से हमने स्टार्ट किया था, हमने लगभग सब टाइप के कंपाउंड्स बनाए, अल्कीन भी बना लिया, उससे कन्वर्ट करके अल्काइन भी बना लिया, अल्कोहल भी फॉर्म कर लिया, हेलोअल्किन भी बना लिया, एल्डिहाइड भी बना लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना लिया, ठीक है, साइनाइड बना लिया, आइसोसाइनाइड बना लिया, आइडोअल्किन बना लिया, फ्लोरोअल्किन बना लिया, फिर उनको कन्वर्ट करके अमाइड बना लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया, अमाइन बना लिया, फिर उसे अल्कोहल में भी कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो हम इस तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं। मैं और भी वीडियो लेकर आऊँगा कुछ इस टाइप के जिसमें हम कन्वर्जन करेंगे, ठीक है, वन स्टेप कन्वर्जन, टू स्टेप कन्वर्जन्स भी होते हैं, तो उन पर भी हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।